गाइस, नेगी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने की विधि बता रही हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, हमारा तरीका ये है तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। पहले पालक और सरसों ले लिया, उसको अच्छे से छील लेना है। पहले उसको अच्छे से छील के पालक और सरसों को, ये देखो कूड़ा कबाड़ा निकला हुआ है, इतना बाहर फेंक दिया। छीनने के बाद इसको आप अच्छे से वॉश कर लेना, चार पांच पानी में, अच्छे से टब में या बाल्टी में ले लेना। उसके बाद हमने इसको धूप में रख के ये काटना शुरू कर दिया है। इसको इस तरह से पतला पतला काटना है, पालक और सरसों को दोनों को अच्छे से छील के पतला पतला काट दिया और सारा अच्छे से पूरा काट के फिर उसके बाद हमने ये चूल्हा जला लिया है। चूल्हे के बाद जो हमने ये प्रेशर को, जो राख होती है ना उसकी लकड़ी की, उसको हमने प्रेशर को अच्छे से लीप दिया है, पुताई कर दिया है मतलब उसके अच्छे से, कि जो प्रेशर ख़राब ना हो। प्रेशर ख़राब अच्छे से, फिर उसके बाद साग बनने के बाद, क्योंकि इसको अच्छे से वॉश जल्दी से कर सकते हैं, अगर हम इसको लीपेंगे नहीं तो इतना काला हो जाता है ये प्रेशर की, फिर धोया नहीं जाता मतलब। उसके बाद थोड़ा सा पानी रख के जो भी ये सरसों और पालक हमने काटी हुई थी उसको हम इसमें प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अगर आपका सरसों और पालक ज़्यादा होगी तो उसके बाद आप थोड़ी देर में इसको जलने देना आग को, फिर उसके बाद दबा दबा के ये और डालते इसमें रहना, जो कि फुल हो जाए अच्छे से, ये दब दब के अच्छे से नीचे से होता रहता है और नीचे जाता रहता है ये। उसके बाद आप नमक, हल्दी, मिर्ची, मसाला जो भी है बाउल में लेके छील छाल के उसको पीस लेना या फिर ग्राइंड कर लेना, वो आपकी इच्छा के अनुसार है आप किस तरह से करोगे। उसके बाद आप इसको, इसके ऊपर आप हल्दी, नमक, मिर्ची, मसाला वगैरह डाल के इसको प्रेशर कुकर में आप इसको ढक सकते हो। प्रेशर कुकर की विसल कम से कम 7 से 8 आनी चाहिए। उसके बाद आने के बाद इसको बाहर निकाल के ठंडा होने देना, फिर इसको अच्छे से मक्की का आटा लेके इसको मैश करना है और इसको काफ़ी अच्छा घोटना है। हिमाचल में तो इसमें चावल डालते हैं पर हम लोग इसमें मक्की डालते हैं, पंजाब में तो ज़्यादातर इसको मक्की ही डाला जाता है। मक्की से इसका स्वाद इतना अच्छा आता है मतलब पूछो मत, अब स्वाद क्या आएगा साग, जो भी जिसने भी खाया होगा कि उसको पता चल जाएगा हाँ स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। इसको अच्छे से घोटते रहना 15-20 मिनट, जो कि अच्छे से मक्की मैश हो जाए। ऐसे अच्छे चारों तरफ से घुमाना है, मक्की भी अपने हिसाब से ले लेना कि ये ना हो कहीं ज़्यादा ले लेना। इसको अच्छे से घोट घोट के 15-20 मिनट तक अच्छे से मैश करके फिर इसको समझो ये हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद हम रात को तड़के के लिए तड़का तैयार करेंगे। इसमें तड़के के लिए आप लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्ची, घर के मसाले सब तैयार कर लेना। फिर हम इसको कढ़ाई गैस में रख लेंगे। गैस में रखने के बाद आप देसी घी डाल देना, फिर थोड़ा लहसुन प्याज को थोड़ा सॉटे कर लेना। थोड़ा इसमें क्वालिटी ज़रा धुआं आ रहा है इसलिए थोड़ा कम चल रहा है, रात का अंधेरे का टाइम है। उसके बाद हमने ये मक्की को थोड़ा गुनगुना पानी कर लिया है, मक्की को हम अच्छे से आटे को भून लेंगे। ये मेरी मम्मी इस तरह से रोटी बनाती है, आप भी जिस तरह से रोटी बनाओगे आप भी मुझे कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करना कि आप किस तरह बनाते हो। सबका अलग अलग तरीका होता है पर मेरी मम्मी इस तरह से बना रही है। उसके बाद आप उस सरसों का साग तो तैयार हो गया, ये मक्की की रोटी तैयार हो रही है। फिर आप सरसों के साग में ऊपर से घी डाल के जब आप खाओगे ना आपको स्वाद ही आ जाएगा कि कैसे ये मक्की की रोटी और सरसों का साग में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है घी डालने से। ओके फ्रेंड, बाय, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना कि आपको ये कैसे लगा मक्की की रोटी और सरसों का साग।